अंदर इंडिया में नेशनलिज्म आ चुका था. यस, 1885 इज द कल्मिनेशन ऑफ नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट इन इंडिया बिकॉज देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो इज इट जस्ट यूरोप दैट इज एक्सपीरियंसिंग द वेव्स ऑफ नेशनलिज्म? नो, इवन द कॉलोनीज आर एक्सपीरियंसिंग द वेव्स ऑफ नेशनलिज्म एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. 19th century इज द सेंचुरी ऑफ ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ बीइंग अ नेशन एंड डिफाइनिंग योर सेल्फ. They had the power to define their territorial boundaries. For us, we'll take one more century. ठीक है? Keeping that in mind, students, आप देखेंगे कि nationalism के उदय होने के क्या कारण रहे European countries के अंदर. इसमें एक बहुत बड़ा रोल है नेपोलियन बोनापार्ट का. नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस से निकल के बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया. ठीक है? He captured many parts of Europe. And here, students, you will see that as a part of this Napoleonic Wars, what was his aim? जिन भी एरियाज में वो जाते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स पढ़ाते थे, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और नेशनलिज्म. एंड एज अ रिजल्ट, स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे जिन भी एरियाज को इन्होंने कैप्चर कर लिया, वहां पर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए. लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट को अच्छी लाइट से ना देख के चिढ़ती हुई नजर से देखा और बोला कि हाउ डेयर ही कम टू अवर लैंड. बट वेन दे वर यूनाइटिंग अगेंस्ट दिस कॉमन एनिमी, दे फेल्ट द आइडिया, द डिजायर टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन. एंड दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी इंग्रीडियंट इन द फॉर्मूला ऑफ नेशनल.